हाँ जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आप क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, 4 क्वेश्चन जो था उसके अंदर क्या आया हुआ था सर। एक क्वेश्चन आया था हमारा एमलगेमेशन का और एक रिकंस्ट्रक्शन का आया था। तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये रहा पार्ट वन जो पूछा गया था पी और एस का। और इस एमलगेमेशन वाले क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने कि आपको दो तरीके से करना है एमलगमेशन, नेचर ऑफ मर्जर। एग्जामिनर ने दोनों चीजें पूछ ली आपको, यानी बच्चे को आता होगा तभी कर पाएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसके साथ एक थ्योरी आया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे डिफरेंस है। तो जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, उसे एमलगमेशन का ही दूसरा नाम होता है। तो इसको तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल। वो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा और 10 ईयर में भी मिल जाएगा, इसीलिए थ्योरी। ठीक है, चलिए सर, अब बाकी इसके सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन था? ये रहा सॉल्यूशन, हमने बिजनेस परचेज किया है, आप सिंपली देख सकते हैं। जिसको नोट करना हो वो पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। फिर भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली मैंने बोला हुआ है कि आप कमेंट में लिखिए और आपको उसका डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये अमाउंट कैसे आया, क्योंकि आपके पास ना इतना टाइम मिला ही नहीं है कि आप ना बहुत ज्यादा कुछ करो, क्योंकि कल एग्जाम है। बहुत गंदा डेट शीट है एक तरीके से देखा जाए, कुछ बच्चों का तो मॉर्निंग में ही एग्जाम है, तो उसके हिसाब से है। और फिर से मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, सेमेस्टर 3 का बैच स्टार्ट हो रहा है आप सभी का। होपफुली सारे एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे और मेरी यही रहेगी कि भाई कॉर्पोरेट का भी बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाए, प्रैक्टिस। बाकी इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेस मत मानिएगा कि इसी के ऊपर सारा का सारा डिपेंड रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों मेथड से कर दिए एमलगमेशन। नेचर ऑफ क्या था ये सर? नेचर ऑफ आपका परचेज और ऊपर वाले जितने भी हुए हैं वो नेचर ऑफ क्या था? मर्जर था। बिल्कुल नोट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर डाल दिए हैं। इसके बाद सर ये थोड़ा सा आपको पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में पीडीएफ डाल दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा। इसका दूसरा था रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हमने एक पहले बैलेंस शीट बनाना था, बैलेंस शीट बना लिया। बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर हमारा नॉर्मल था, ठीक है ना। हमने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट ये वर्किंग नोट एक तरीके से, जर्नल एंट्री सभी का आपको दिख जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, 18 नंबर का क्वेश्चन था, इतना इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मुझे यही क्वेश्चन सबसे आसान लगा इसमें जो कि कर सकते हो, और ये आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी सोल्यूशन दे दूंगा, और जो 5 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन का 10 ईयर के अंदर पूरा सोल्यूशन डला हुआ है उसका, ठीक है। मैं एक बार धीरे धीरे और स्क्रॉल कर देता हूँ। कोई डाउट हो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर बोल सकते हैं कि ये अमाउंट कैसे आया नहीं आया। तो जितने मेजरली बच्चों के डाउट्स आएंगे ना कमेंट में, तो मैं उसके ऊपर सेपरेटली छोटी छोटी वीडियो बना के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप पॉज करके भी नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं कहूँगा पीडीएफ नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।